Next, mother is saying that thing, माजी, now the time has changed. अब समा बदल चुका है. His friends should be good irrespective of their caste and religion. जो बच्चे अब उसके फ्रेंड हैं, दीपू के फ्रेंड हैं, वो अच्छे हैं अपनी कास्ट में भी और रिलीजन में भी, अपने धर्म में भी वो अच्छे हैं और अपनी कास्ट में, जात में भी अच्छे हैं. इट हार्डली मैटर हु इज बॉर्न, विच रिलीजन और कास्ट. अब ये चीज़ों मायने नहीं रखती वो किस कास्ट में है या कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, बट दे आर गुड इन आवर रिस्पेक्ट्स. दैट नेक्स्ट इज थिंग्स टू रिमेंबर, समथिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड, दैट्स आर द देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स ड्यू टू बर्थ ऑफ अडॉप्टेशन ऑफ चाइल्ड. घर में फैमिली मेम्बर बढ़ जाते हैं जब बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है, गोद लिया जाता है. When a girl gets married, the number of members in family decrease. जब एक लड़की की शादी होती है तो फैमिली मेम्बर कम हो जाते हैं. With the coming of newlywed, after the marriage of a boy, number of family members increase. जब घर में लड़के की शादी होती है तो न्यूली वेड जो लड़की आती है तो उससे मेंबर हैं वो बढ़ जाते हैं, फैमिली मेंबर्स बढ़ जाते हैं. इट इज मोर बेनिफिशियल एंड सिक्योर टू लाइफ इन अ ज्वाइंट फैमिली. ज्वाइंट फैमिली जो संयुक्त परिवार है जिसमें फैमिली मेंबर्स रहते हैं, जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, आंट, अंकल, ताया जी, ताई जी, जो भी इकट्ठे सारे रहते हैं, तो कहते हैं उस फैमिली में रहने का ज्यादा फायदा है, उसका ज्यादा लाभ है. वी शुड स्पेंड विद द कंसर्ट ऑफ द फैमिली. जो हमारे घर का जो भी काम है वो एक दूसरे की सहमति से, एक दूसरे से मिलजुल के ही काम चलता है. किसी भी फैमिली मेंबर, फैमिली में हमेशा हर एक मेंबर की एक इम्पोर्टेंस होती है. वुमेन आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग लाइक मैन इन एवरी वर्क. जो घर की औरतें हैं वो भी मेंस की तरह, आदमियों की तरह घर के हर काम में पूरे पूरा सहयोग देती हैं, चाहे वो कमाने वाला हो या घर पे काम करने वाला हो, जो भी है वो पूरी सपोर्ट करती हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क फॉर होम मेकर्स. घर में काम करने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं लेडीज के लिए जो कि होम मेकर कही जाती हैं. ठीक है, अगर पापा घर बाहर कमाई करते हैं तो मम्मा है वो घर में काम करके सारा घर संभालती हैं. तो बेटे उसके बाद फिलिप्स हैं, फिलिंग दी ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स. अवर फैमिली शुड बी, अपनी जो फैमिली है उसमें क्या लिखना है वो फिल करना है आपने. बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड शुड ऑल्सो सेलिब्रेट, इसमें फर्स्ट फिलिप में आना है. अवर फ्रेंड्स शुड बी नाइस, हमारे जो दोस्त हैं वो क्या होने चाहिए, नाइस होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए. बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड शुड ऑल्सो बी सेलिब्रेटेड हैप्पीली, सेकेंड फिलिप में आएगा हैप्पीली. जो फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है वो सेकेंड फिलिप में आना है, और जो सेकेंड वर्ड लिखा हुआ है नाइस वो हमने ए फिलिप में फिल करना है. उसके बाद आपने लिखना है हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली. आपने मेंबर्स की गिनती लिखनी है जो आपकी फैमिली में है, जितने भी हैं, 5 हैं, 6 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितने भी हैं. हु अर्न्स मनी इन योर फैमिली, इन सभी क्वेश्चनों को मैं आपको रिपीट कर दूंगी, उसमें भेज दूंगी मैसेज करके. ठीक है, ओके.